إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

आज ये आयत जो मैंने आपके सामने पेश की शराय बकरा की अल्लाह ताला फ़रमाते वला और वो वक्त भी याद कीजिए कि जब इब्राहिम सलाम को आजमाया रबू हूँ उनके रब ने भी कलिमात कई कई बातों के ज़रिएम महुन्ना और तमाम की तमाम बातों में वो पूरे उतरे और एज़ाज़ में और अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में और हर इम्तहान के अंदर कामयाब होने के एवज में रब जलाल ने जो उनको मकाम अता किया उसका जिक्र हो रहा है काला इन्नी जयालोक नासी इमामा इब्राहिम मैं आपको इस उम्मत का इमाम बना रहा हूँ इब्राहिम व सलाम ने फ़रमायाव मंद्रियती इलाही मेरे ख़ानदान में से भी मेरे 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 आगे ज़रूरीत में से भी मेरे आलो ओलाद में से भी तो लोगों का इमाम बना और ये सिलसिला ये शर्फ और ये एज़ाज़ मेरी आगे नस्ल में भी बाकी रहे इब्राहिम सलाम ने इस चीज़ का मुतालबा किया अल्ला रबालमी ला ने जवाबा फ़रमायानाद वालमीन हम गुनहगारों को िमों को और जो लोग मेरे वादे के ख़िलाफ़ करने वाले हों और मेरे हुकूम पर न चलने वाले हों उनको ये एज़ाज़ नहीं है, ये एजाज़ उन्हीं में रहेगा आपकी नस्ल में भी आपको भी जिसकी वजह से अदा किया गया है और आपकी नस्ल भी जब उन अहकाम पर अमल करती रहेगी तो उनको इमामत का ज़रूर जो है मनसब दिया जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा ालिम हो जाएंगे गुनहगार हो जाएंगे वादा की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले हो जाएंगे शरीय के पाबंदी नहीं करेंगे शरीय की पासदारी नहीं करेंगे बल्कि शरीय के मुखालिफ़ रहेंगे अल्लाह और रसूल के हुक्मों पर न चलने वाले होंगे नाफरमान लोग होंगे तो नाफरमान लोगों को इमामत हरगज़ हरगज़ नहीं मिलेगी यह है खुलासा सबसे पहली बात ये समझनी है वो कौन से कलिमत थे जिनसे जिन, कौन सी बातें थीं जिनका मुख्तसर जिक्र इब्ने कसीर रहा ने किया है जिन जिन तमाम बातों में इब्राहीमत पूरे उतरे और उस पूरे उतरने पर अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने इतना बड़ा मकाम अदा किया इससे मुराद बाद मुफसरीन ने जिस चीज़ का जिक्र किया है वो ये कि तमाम शरीयत के अहकाम मुराद हैं खूस जो है मनासी के हज हैं बच्चे का बाह करना है हिजरत करना है आग के अंदर जब फेंके गए और उसमें उन्होंने सबर की सबर का मुजाहरा किया वो मुराद है ये तमाम वो आजमाइं थी तमाम वो बातें थी कि जिनके बारे में रबल ने तस्दीक की फ़ातम माहना सारे की सारी आज़माइशों में पूरे उतरे हज का हुक्म हुआ तो हज किया और बैतुल्ला की तामीर का हुक्म दिया गया तो तामीर की बच्चे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ तो ज़िबह करना शुरू कर दिया पहले बीवी और बच्चे को हिजरत करने का हुक्म हुआ तो वैसा किया गया जब खुद हिजरत का हुक्म हुआ तो उस पर तैयार हुए आग में फेंके गए तो कहीं पर सटपटाए नहीं किसी तरह का कम्प्रोमाइज़ नहीं किया अल्लाह की तौहीद तो में बल्कि जो है खुशी ब खुशी तैयार हो गए और अल्लाह रब्लमी हकमल हाकििमिन पर मुकम्मल भरोसा किया जिस तरह से आगे भी जिक्र आएगा इब्राहिम वसलाम इन आज़माइशों से गुजारे गए और हर आजमाइश में कामयाब और कामरान रहे जिसके सिले में अल्लाह रब्लमी ने लोगों के इमामत का जो है मनसब दिया और मनसब पर फायज़ किए चुनना मुसलमान ही नहीं बल्कि याद रहे यहूदी ईसाई हती के मशरक़ी अरब सभी कि हाँ इब्राहीम की शख्सियत बड़ी मोहतरम बड़ी पेशवा मानी और समझी जाती रही है दूसरी बात जो काबिल गौर है वो ये कि जब इब्राहीम श्रुत ने फरमाया वामजुर ये शर्फ ये मक़ाम मनसब इमामत का मेरी औलाद में भी रहे तो मुफसरीन ने इसमें तफसील से इस चीज़ का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम की इस ख्वाहिश को पूरा फरमाया जिसका जिक्र कुरान में है हवा ज आलनाफ़िर नबूत अवल किताब हमने नबूत और किताब को उसकी औलाद में अदा कर दी यानि इब्राहिम की जो औलाद थी उनमें नबूत और किताबों का सिलसिला जारी रखा ये अल्लाह रबालमीन ने उनकी दुआओं को कबूल किया बस हर नबी जिसे अल्लाह ने मबूस किया और हर किताब जो इब्राहिम के बाद नाजिल फरमाई ओलाद इब्राहिम ही में यह सिलसिला रहा तफसीर अबिन कसीरम्ला ने इसका जिक्र किया है इसके साथ ही जब यह फरमाया गया कि मेरा वादा ालमों के लिए नहीं है तो उस अमर की वजाहत फरमा दी कि इब्राहिम की इतनी ऊँची शान और इंद मंजिलत के बावजूद औलाद इब्राहिम में से जो नाखलफ और ालिम और मशरक होंगे उनकी काफ़त शकावत, महरूमी बदबख्ती को दूर करने वाला कोई ना होगा अल्लाह ताला ने यहाँ पैगंबर ज़ादगी का की जड़ काट दी है ऐसा नहीं कि जो शख्स पैगंबरों की नस्ल में से है वो कुछ भी कर ले तो उसको वही मकाम रहेगा ऐसा हरगिज़ नहीं आ, अगर ईमान उस आ, अमल साले नहीं हैं, तो किसी का ख़ानदान बड़ा होना उसके कुछ काम आने वाला नहीं है और बारगा इलाही में उसकी कोई भी हैसियत नहीं नबी साम ने सही मुस्लिम की रिवायत में फरमाया मम बात अभी ही आम आलू हूँ लम युसरे अभी ही न सबू हो जिसको उसका अमल पीछे छोड़ गया उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा यानी कि जिस शख्स का ईमान में कोताही और गुनाह होंगे तो ऐसा नहीं होगा वो बड़े हसब व नसब का है तो उसको वो नसब और हसब जो है या मालदारी कहीं पर काम आएगी अल्लाह के पास नजात में ऐसा हर चीज़ नहीं है वहाँ पर ईमान और अमल साले ही इंसान को आगे ऊंचा मकाम लेकर जाने वाली चीज़ें यही हैं जिस तरह अल्लाह ने फरमा दिया इन अकर मकुमा ही अतआकम तुम में सबसे बड़ा मकाम अल्लाह के पास उसी का है और वही रखता है मकाम जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला और तकवे का माना बारहा बताया गया मुहर्रमात से बचना और फ़रज़ पर अमल करने का नाम ही तकवा है फिर अल्लाह फरमाया बैत रब् फरमा व अमन हमने बैतल्ला को लोगों के लिए सवाब और अमन व अमान की जगह बनाया

यहाँ बहुत अहम बात वो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्बत से जो इसके बानिया अव्वल हैं यानी खाना काबा के बैतूल्ला की दो खसूसियतें अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं एक तो है मथाबतलनान्नास लोगों के लिए सवाब की जगह अमन व अमान की जगह ये पहला जो है माना है और बाज ने कहा कि बार बार लौटने वाली जगह जो भी जाता है तो वह आसूदा नहीं होता बार बार आता है दूसरी खसूसियत के अमन की जगह यहाँ किसी दुश्मनी का खौफ नहीं रहता चुनाचा जमाना जाहलीत में भी लोग हदूद हरम में किसी दुश्मन से जान किसी दुश्मन से जान का बदला नहीं लिया करते थे इस्लाम ने इसके अहतराम को बाकी रखा बल्कि उसकी मजीद ताक़द तोसी भी कर दी इसी तरह वाहिदना वतख मक़ाम इब्राहिम मुसल्ह मकाम इब्राहिम से मुराद व पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम सलाम तमीर कावा ताकी� करते रहे इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम के कदम के निशानात अब भी मौजूद हैं अब इस पत्थर को एक शीशे में महफूज कर दिया गया है जैसे हाजी और मोतमर लोग जानते हैं और तवाफ मताफ में रखा हुआ है उसके मकाम के उस मकाम पर तवाफ मुकम्मल करने के बाद दो रकस नमाज पढ़ने का हुक्म है सुन्नत है वतखिद मकामी बरोहीम मुसल्ला तो इस मुख्तसर सी तफसीर दुआयतों के अंदर बहुत बड़े इस्बाक और बहुत बड़ी हम सब के लिए इबरतें हैं अमली गोशों के अंदर सबसे बड़ा जो अमली गोशा है मेरे भाई वो ये कि अल्लाह की जो भी हमारे ऊपर तकदीर में जो लिखा हुआ है उसमें जो आजमाइशें आ जाएँ उनमें पूरा उतरना उनमें पूरा उतरना ये मकाम इमामत से इंसान को सरफराज करता है मकाम इमामत तक पहुंचाता है इंसान जैसे भी हालात आ जाए अल्लाह रबालमीन की तकदीर में जो लिखा हुआ है बंदे की तकदीर में अल्लाह अल्लाबालमीन ने उसी के तहत वो चीज़ें आती हैं हमारा ये यक़ीन होना चाहिए और एक ईमान वाला ये जानता है कि जब पत्ता उसकी इजाज़त के बग़ैर नहीं हिल सकता तो हमारी ज़िंदगी के नशीबो फराज़ गरीबी अमीरी बीमारी खुशी ग़मी ये सब अल्लाह रब्बुल रबालमी ने लिखा हुआ है लिहाजा उस पर खुश रहना और उस पर राज़ी रहना और उसमें सब्र करते हुए अल्लाह तला से नजात मांगते रहना जुड़ते रहना ये इंसान को बड़े मकाम पर फायज़ करता है फिर ये भी याद रहे अमली गोशे में कि हम अगर नेक हैं तो अपनी औलाद की बहुत फिक्र करें अगर जो है औलाद नेक नहीं तो ज़रूरी नहीं कि जो नमतें हम पर हैं वो ओलाद में मुंतकिल होंगी ऐसा हरगिज हरगिज नहीं हाँ अगर ओलाद नेक है तो फिर अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह रब्लम विरासत जो है वो नेक लोगों में मुंतकिल करता है और ये ज़मीन नेक लोगों के लिए रब्लम ने बनाई है इसका वारिस इस ज़मीन के वारिस नेक लोग ही हैं ये दो बातें तीसरी बात अमली गोशे में वो ये है कि खाना क़बे का एहतराम बहुत बड़ा अहतराम है और खसूस मसाजिद को और ख़ाना क़ाबे को सफाई के लिए लबा ने जहाँ इब्राहिम इतने बड़े पैगम्बर अबुलम्बिया जिनको कहा जाता है और हुम हो रहा है कि मस्जिद को पाक कीजिए तवाफ़ करने वाले के लिए अहतकाफ़ वालों के लिए रुक और सजदा नवाजियों के लिए लिहाजा अपनी मस्जिद मस्जिदों को पाक और साफ रखिए जहां अपने कपड़ों की पाकी है वहीं पर मस्जिदों की सफाई और सुथराई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए ये वो अमली गोशा है कि जो नबो नबियों को अल्लाह ने हुक्म दिया है और इससे बिल्कुल पीछे मत हटिए ना खुद और ना अपनी आलो ओलाद को इससे हमारी औलाद नेक बनती है और हम नेक बनते हैं लिहाजा बढ़ चढ़ के मसाजिद की तमीर ततहीर इसमें हिस्सा लीजिए दुआहों अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को अमल की तोफ़ी बख्शे